नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज सुबह मैंने 7 बजे के करीब नेवी की तरफ से आई हुई वैकेंसी ईएमआर का सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस जो है तो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेवी की तरफ से आई हुई दूसरी वैकेंसी जो कि एसएसआर के लिए आई है, उसका सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस 2019 के लिए क्या होने वाला है, तो इस वीडियो में हम उसी बारे में डिटेल में बात करेंगे और आपको उतना ही चीज़ बताएँगे जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिट और ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा। साथ में आगे आने वाले जैसे स्टडी मटेरियल हो गया, बेस्ट बुक रिव्यू हो गया, प्रीवियस ईयर कट ऑफ हो गया या फिर इस साल का मॉडल क्वेश्चन पेपर हो गया और भी बहुत सारी नेवी की तरफ से आने वाली अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं और आपको पूरा एक बार लाइन से स्टेप बाय स्टेप सिंपली समझा दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारा पीडीएफ जो है तो डाउनलोड हो चुका है और हमारे सामने ओपन भी हो गया है। आप यहां पे सिंपली देख पाएंगे कि अगस्त 2019 बैच के लिए एसएसआर की वैकेंसी आई है और लगभग ये 2500 यानी कि 2500 पदों पर वैकेंसी आई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो है तो सभी का एडमिट कार्ड आने वाला है और साथ में 10,000 कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि 10,000 कैंडिडेटों को पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। तो अब बात ये आती है कि हमारा सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस ऐसी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे एक बार में हम क्रॉस कर लें। तो चलिए हम इसको जूम कर लेते हैं और आप सभी को बताते हैं कि क्या होना चाहिए हमारा जो है तो माइंड सेटअप। तो आप सभी को करना क्या है कि इस पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आपको जो मैंने वीडियो बनाया था उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें ए टू डेट बताया था। उसमें आप जब 8 नंबर पॉइंट पे आएंगे जिसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया गया है तो यहाँ पे सिंपली आपको देखने को मिलेगा कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होना है और आपकी जो मेरिट बनेगी वो स्टेट वाइज स्टेट मेरिट बनेगी। यहाँ पर पहले ही बता दिया गया स्टेट वाइज स्टेट मेरिट बनेगी और CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होगा। उसके बाद जो भी इसको कर लेगा उसको फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि होने क्या वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या आएगा और कैसे आएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो 100 क्वेश्चन है हमारे CBT फर्स्ट में एक ही होता है उसमें रहने वाले हैं और साथ में इच को कैरी एक मार्क्स यानी कि 1 मार्क्स यानी 1 नंबर का हर क्वेश्चन आपका रहेगा, यानी कि 100 सवाल 100 नंबर के होने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर यानी बी पॉइंट है उसमें आपको पेपर के लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि हिंदी और इंग्लिश जो है तो आपके पेपर की भाषा रहने वाली है। तो जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती उनके लिए ये बेनिफिट यानी फ़ायदे की बात है कि उनको हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं टाइप की, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे यानी कि एक क्वेश्चन और लगभग 3 से 4 आपको उसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें क्लिक करना होगा। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो है तो सब्जेक्ट मेन हमारा जो सिलेबस है वो क्या क्या रहने वाला है, किन सब्जेक्टों से हमारा जो है तो पेपर बनेगा, तो सी नंबर पॉइंट इसी के बारे में है। तो इसमें बताया गया 4 सेक्शन यानी 4 सेक्शन यानी 4 भागों में विभाजित होने वाला है आपका सिलेबस, बहुत ध्यान से देखिएगा। SSR है 12th बेस से वैकेंसी आती है यानी 12वीं पास वालों के लिए वैकेंसी आती है। तो इसमें आपको इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज, यही 3 चीज़ें, इंग्लिश को हटा दिया जाए तो यही 3 चीज़ें साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज AMR के लिए भी है, बट वो 10th बेस से आएगा और ये 12th बेस से आएगा। तो आपको 4ों चीज़ों को ध्यान रखना है और 12th बेस की पढ़ाई को पढ़ना है, उसके हिसाब से बाकी बेस्ट बुक भी हो गया और मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड कराऊँगा और 1-2 चीज़ों की तैयारी भी करवाऊँगा जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया और साइंस वगैरह हो गया, इनकी भी प्रिपरेशन मैं करा दिया करूँगा। तो आप लोगों को इन 4 चीज़ों को बस ध्यान में रख के पढ़ाई करना, बाकी अदर्स कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज को आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि आपको 10th+2 लेवल का जो सिलेबस और सैम्पल पेपर है इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joininindiannavy.government.in पर मिल जाएगा। और उसके बाद बताया गया है कि आप सभी को इसके लिए ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन बिल भी 1 घंटे दिया जाएगा 100 क्वेश्चन को करने के लिए, यानी आपके पास केवल 60 मिनट होंगे और आपके सामने 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आपको अभी से अपना माइंड सेटअप इसी तरह रेडी करना है कि फास्टर देन फास्टर आप जो है तो जवाब दे सके। उसके बाद कहा गया है कि आपको जो है तो हर सेक्शन में पास होना कंपलसरी है, यानी कि इंडियन नेवी की तरफ से ही ये आया हुआ है, आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूँ। सबसे मोस्ट बात, इंपॉर्टेंट बात जिसको कह सकते हैं उसे ध्यान रखना होगा
होगा। आपको हर रॉन्ग आंसर के लिए कुछ ना कुछ पेनाल्टी यानी कि आपको भुगतान करना पड़ेगा, और वो भुगतान केवल इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 0.25 आपको हर निगेटिव यानी कि हर गलत आंसर पे करना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए कि आपका जब 4 आप गलत उत्तर पे टिक करेंगे तब आपका 1 सही जवाब कट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही ज़रूरी है, जो आता हो वही जवाब दीजिएगा क्योंकि इस तरह में पूरा माइनस हो जाता है। तो उसके बाद आज कल लगभग हम आपको 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो कि MR, SSR और AA के ऊपर होगी, जिसमें फिज़िकल और मेडिकल के बारे में या तो फिज़िकल या तो मेडिकल के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि वीडियोज़ आने वाली हैं कल। अभी एक वीडियो और आपको मिलेगी लगभग अभी 2 से 3 घंटे बाद देखने को मिलेंगी, जो कि इंडियन नेवी की तरफ से आई हुई एक और वैकेंसी जो कि AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए है, उसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले मैं लाइन से क्लियर करता जा रहा हूँ, जो भी वैकेंसी आती जा रही है मैं लाइन से बताता जा रहा कि क्या क्या एक्चुअल में होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करके चैनल को जरूर